दोस्तों आज की वीडियो में एक प्रैक्टिकल विजिट रहेगी साइट पे। तो साइट पे आज आपको मैं ले जाऊंगा, एक स्लैब क्या स्टील दिखाऊंगा। एक्चुअली बीम आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि लैपिंग आपको प्रैक्टिकली कहाँ देनी है, क्योंकि देखो मेंशन तो नहीं होता है ड्राइंग पे कि कहाँ लैपिंग आपको देनी होती है, ना ड्राइंग पे कुछ रहता है। एक अच्छा एक साइट इंजीनियर सिविल इंजीनियर वही है जो प्रॉपर जगह पे लैपिंग दे। एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है, दोनों तरफ कॉलम है, बीच में बीम है हमारा, उसको लैपिंग हमें इस तरीके से देनी होती है कि वो बीम फेल ना हो। मतलब अगर बाई चांस फ्यूचर में लोड एक्स्ट्रा हो जाए या कुछ भी हो, तो वो चांसेस फेलियर के सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, जहाँ से लैप होता है। लैप क्यों दिया जाता है ये आप सबको पता है। हमारे बीम की लेंथ जो बार है, हमारा स्टैंडर्ड लेंथ आती है 12 मीटर आती है, 40 फुट आती है, ठीक है। उसके बाद हमें लैपिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। बीम की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, 12 मीटर से ज़्यादा भी होते हैं, 12 मीटर से कम भी होते हैं। कम में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी लैप की, लेकिन जहाँ 12 मीटर होगा वहाँ लैप की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एक परफेक्ट जगह कहाँ होती है वो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। आपने वीडियोस देखी होंगी इस टॉपिक पे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली इस तरीके से कोई पढ़ाएगा नहीं। और आज की वीडियो कंप्लीट आपको देखनी है, इसको एज ए फ्री इंटर्नशिप आपको लेना है, क्योंकि ऐसा आपको सीखने को कहीं नहीं मिलने वाला। तो शुरू करता हूँ मैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक काम आपको कर लेना है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज कोर्स के डिटेल्स या जो भी मतलब सिविल इंजीनियर को जो भी ज़रूरत पड़ती है फ्री में इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। फ्री कोर्सेज की मैं बात करूं वो भी प्रोवाइड करता हूं, फ्री नॉलेज की मैं बात करूं वो भी मैं प्रोवाइड करता रहता हूं। तो शुरू करता हूं टॉपिक, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जॉब का जो कमेंट्स कर रहे थे सर जॉब के लिंक के लिए, तो उसके लिए अलग से चैनल है सिविल इंजीनियरिंग जॉब हमारा, तो वहां जाकर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में हर एक चैनल का लिंक मैं डाला हुआ हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सामने आप बीम देख रहे हो, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा, ये हमारा कॉलम आ गया, एक यहां से बीम स्टार्ट होता है हमारा और ये वहाँ दूसरे कॉलम पे रेस्ट करता है। मतलब ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। आज सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो इसका टेंशन जोन है वो नीचे रहता है हमारा, जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है वो टेंशन जोन हमारा आ गया नीचे, और जो इसका कंप्रेशन जोन है वो है ऊपर। तो इन दोनों में लैपिंग का आपको क्या ध्यान रखना है, जो टेंशन जोन में हम लैप प्रोवाइड करेंगे वो डिफरेंट वे से प्रोवाइड करेंगे, और जो हम कंप्रेशन जोन में करेंगे वो डिफरेंट टाइप से करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको ये भी समझाऊंगा। तो चलो एक समझते हैं इस चीज को कि हमने ये लोड डाला इस ये हमारा बीम है, ये हमारा बीम है, तो इस पे हमने लोड डाला तो नीचे का जोन चला गया टेंशन में। तो मतलब जब नीचे का जोन हमारा टेंशन में जाएगा, तो एक एग्जांपल हो जाए आपके लिए, तो थोड़ा मैं समझाने में इजी होगा आपको। ये हम सरिया पकड़ते हैं, ये रखा हमने बीम पे, मतलब इसको मैं दबाना तो टफ हो जाएगा मेरे लिए, तो ये मैं ले लेता हूँ। ये हमारा एक बीम है, ये हमारी एक वायर है, मैं वायर के हिसाब से बताऊंगा, ये बीम है हमारा, ठीक है। तो इस पे हमने लोड डाला तो नीचे का जोन हमारा टेंशन हो रहा है, मतलब नीचे यहां से भी फोर्स लग रही है, यहां से भी, तो मतलब देख रहे हो ये नीचे टेंशन जोन आ रहा है हमारा, नीचे टेंशन जोन बनेगा और ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन बनेगा, मतलब चीजें ऐसे होंगी कंप्रेस होंगी। तो चलो एक आपके लिए थोड़ा इजी करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये हमारी वाइंडिंग वायर है, इसको हम बीम समझते हैं, ये सपोर्ट्स आ गए दोनों, तो इस पे हमने लोड डाला, ये लोड डाला हमने, ये देखो, ये जैसे हम लोड डालेंगे नीचे का जो एरिया होगा वो टेंशन होगा, मतलब भागेगा ऐसे ऐसे, मतलब इस तरफ भी जाएगा इस तरफ भी, वो टेंशन जोन बन जाएगा हमारा, और ऊपर का एरिया जो होगा वो कंप्रेशन होगा, मतलब कॉम्पैक्ट होगा। तो यही चीज है, जब भी आपको नीचे लैब प्रोवाइड करना है, ये ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, तो वो सपोर्ट है ये सपोर्ट है, तो हमेशा आपका नीचे का जो लैप रहेगा वो आपको कभी भी सेंटर में प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि नीचे हमारा टेंशन जोन कहां आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। तो नीचे अगर हम सेंटर में प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, उसमें फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यहां अगर हम बात करते हैं LY4 की, तो LY4 का क्या फंडा है इसमें भाई, तीन जोन पकड़ लेते हैं हम, ये पूरा हम पकड़ लेते हैं, तीन हमारा कितना है 6 मीटर लंबा बीम है, 6 मीटर कितना 6 मीटर, तो 6 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा कितना आता है अप्रोक्स 1500 mm हमारा आता है। तो आपको क्या करना है, तो जहां सपोर्ट होगी आपकी, जहां कॉलम है आपका, वहां से 1500 mm के अंदर अंदर लैप दे दो आप, और बीच में आपको कभी लैप नहीं देना है,
कहां पे, टेंशन जोन में, और किसने, सिंपली सपोर्टेड बीम में। हमारा टेंशन जोन कहां है, सिंपली सपोर्टेड में नीचे। तो आपको अगर 6 मीटर का बीम है, हम लेंथ ले रहे हैं 6 मीटर की है, तो आपको सपोर्ट से कॉलम से 1500 हमारा आया L/4 के हिसाब से, तो वहां लैप दे देना है, बाकी बीच में आपको 1500 छोड़ देना है, फिर ऐसे ऐसे आपको करना है। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि नीचे में बीम के सेंट नीचे में आपको कभी लैप नहीं देना। अगर बात करते हैं ऊपर की, चलो ऊपर हमने जब लोड डाला था, ऊपर हमारी कंप्रेशन हो रही थी सेंटर में, मतलब कंप्रेशन यहां और सरिया, अगर हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो वो इधर से लोड पड़ रहा है, उठेगी कहां से, वो सपोर्ट से, ठीक है। तो सपोर्ट में अगर हमने लैप दे दिया तो वो चीज तो मतलब वहां लैप तो टूट जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो हमारा ऊपर कंप्रेशन जोन होगा, कंप्रेशन जोन में आप सेंटर में लैब दे सकते हो। अगर L/3 हम लेते हैं, 6 मीटर का बीम है, तो दो मीटर दोनों तरफ से दो दो मीटर छोड़ के बीच में जो जगह बनेगी वहां हमें लैब दे देना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अभी हम बात करते हैं, ये सामने आप बीम देख रहे हो, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा वो वहां से लेके यहां तक इसका सेंटर कहां बन रहा है, बीच में। तो इसका लैप कहां आना चाहिए प्रॉपर, अगर हमने अच्छे से साइड पे प्रोवाइड किया तो बीच में। तो ये देखो, ये लैप इसका कहां आया है, बीच में। मतलब ये जो बीम प्रोवाइड किया है, ये प्रॉपर स्पेसिफिकेशन पूरा कैलकुलेट करके किया कि हमारा लैप जो टॉप का है वो सेंटर में आए, तो ये सेंटर में आ रहा है। और ये प्रोवाइड किया उसकी जोगल, तो जोगल भी यहां पूरा मतलब अच्छे से यहां से लैप। और एक चीज देखना, इसमें ये नहीं है कि सब लैप बीच में प्रोवाइड किए हैं, एक ये लैप आ गया, फिर हमारा एक पूरा थ्रू आउट बीम जा रहा है, इसका लैप थोड़ा सा आगे होगा 1.2 into lap, और फिर हमारा ये मतलब स्टैगर्ड करके दिया, एक लैप पूरा बार, एक लैप पूरा बार, एक लैप पूरा बार, मतलब ऐसे करके इसको प्रोवाइड किया कि एक जगह भी हमारा लैप नहीं आना चाहिए। और लैप कितना है, 50D, मतलब ये हमारा 20 mm का सरिया है, तो 50 into 20 मतलब 1000 mm लैप हो रहा है, यहां से लेके यहां तक हमारा लैप 1000 mm हो रहा है। तो ये हमारा साइड पे भी क्लियर हो गया कि अगर हमारा टॉप में हमारा कंप्रेशन जोन है तो उसका सेंटर में आपको प्रोवाइड करना है, और आपने देख लिया। और उसको कैसे प्रोवाइड करना है, आपको स्टैगर्ड बेस है, मतलब एक साथ भी लैप आपके नहीं आने चाहिए। और अगर हम बात करें बॉटम बार की, टेंशन जोन की, तो आपका लैप कहां आना चाहिए, इसका मैं लैप भी आपको दिखा देता हूं। इसका लैप हमारा कभी भी सेंटर में नहीं आना चाहिए, हमारा आना चाहिए साइड पे, और इसका लैप साइड पे ही आया है, और साइड पे भी किस हिसाब से आया, वो देखो वहां उसका लैप देख रहे हो, ये गया, ए लैप आ गया, मतलब प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ यहां स्टील प्रोवाइड किया है। और यहां से आपको आइडिया लग रहा है, ये सपोर्ट रही कॉलम की, कॉलम से यहां हमारा ये बीम आ गया, मतलब लैप आ गया। तो आपका लैप का क्लियर हो गया कि बॉटम टेंशन जोन में आपको लैप कहां, सपोर्ट के पास ही प्रोवाइड कर देना है L/4 के एरिया में, और टॉप में आपको कहां प्रोवाइड करना है, सेंटर में। तो ये हो गया हमारा बीम का। देखो कॉलम का भी इसी हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है कि कहां आपको प्रोवाइड करना है, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप कमेंट करते हो कि फिर से उस पर वीडियो चाहिए कि कहां आपको कॉलम में, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कहां लैप प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।